दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। शैतान बहुत ही चालाक है और वह अपनी चालाकी से कुछ भी कर सकता है जिससे लोग भरमाए जाएंगे। शैतान परमेश्वर के दूत का रूप लेकर कई कलीसिया में भी मतभेद पैदा कर रहा है। यीशु मसीह ने पहले भी चेतावनी दी थी कि सावधान रहो, क्योंकि अंतिम समय में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। दोस्तों, अगर हमें बचना है तो उसके सारी योजनाओं को हमें जानना जरूरी है। शैतान इन समयों में नए नए तरीकों से लोगों को भरमाने का काम कर रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सभी लोगों को अपने साथ नरक में ही लेकर जाए। लेकिन जब वो आप मसीह विरोधी के रूप में बनकर आएगा, तब शैतान के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छा दिखने वाला लीडर के रूप में आएगा, ताकि पूरी दुनिया उसे अपना ले और उस पर विश्वास करे। लेकिन बाद में वह वही करेगा जो पहले से करता आया है। उसने स्वर्ग में भी परमेश्वर का विरोध किया और अब इस पृथ्वी पर भी वही काम कर रहा है। वह परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। लेकिन फिर भी उसका इच्छा वही है, इसीलिए इस पृथ्वी पर भी वो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहता है। लेकिन आखिर कैसे हम पहचान पाएंगे कि वह परमेश्वर की ओर से है या मसीह विरोधी जो शैतान से है? आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पहली बात, शैतान भी परमेश्वर के जैसा चिन्ह चमत्कार को करेगा। दोस्तों, शैतान भी चमत्कार कर सकता है। बीमारों को चंगा कर देगा, लंगड़े चलने लगेंगे। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि शैतान भी ये सब काम कर सकता है, और इन्हीं सब आधार पर वह अपने आप को लोगों के सामने परमेश्वर का जन बताएगा। वह लोगों को विश्वास से भटकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 16 उसका 14 में, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएँ हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। दोस्तों, शैतान बस यही चाहता है कि चिन्ह चमत्कार को दिखाकर लोगों को अपने तरफ कर ले, ताकि उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में इकट्ठा कर सके। शैतान कुछ ऐसे झूठे मसीह या झूठे भविष्यवक्ताओं को भी खड़ा करेगा जो बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे और चुने हुओं को भी भरमा देंगे। लिखा है मत्ती अध्याय 24 उसका 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज के समय कुछ ऐसे ही झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हैं जो अपने आप को ही मसीह बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को भटका भी चुके हैं। आजकल बस लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे ही भागे जा रहे हैं। दोस्तों, हमें ऐसे बातों से बचने का ज़रूरत है। हम उन्हें आत्मा के फलों से पहचान सकते हैं कि वह किसके तरफ से हैं। दूसरी बात, दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में इंसान के रूप में प्रकट होने लगेंगे। दोस्तों, एक बार कोई इंसान मर जाता है तो वह फिर वापस नहीं आ सकता है। बाइबल में भी इस बात को अय्यूब द्वारा बताया गया है। अध्याय 7 में इस प्रकार लिखा है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। शैतान आज के समय लोगों को भरमाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कर रहा है। कई बार वह मरे हुए लोगों का नाम लेकर परिवार में प्रकट हो जाता है और उनका नाश कर देता है। कई बार लोगों को पिछले जन्म का झांसा देता है और लोगों को परेशान करता है, और इसी रीति से आज बहुत लोगों को भरमा भी चुका है। लेकिन सभी को इस बात को जान लेना चाहिए कि यह सब इन दुष्ट आत्माएं का काम है जो लोगों को बहकाती है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि एक बार कोई मर जाए तो फिर वह वापस नहीं आ सकता है। यह वही दुष्ट आत्माएं है जो संसार के लोगों को भरमा रही है, इसीलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। तीसरी बात, शैतान को अंतिम समय में परमेश्वर का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, शैतान हमेशा से अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है और परमेश्वर से ऊंचा होना चाहता है। लेकिन जब वह स्वर्ग से गिरा दिया गया, तब से इस पृथ्वी पर भी अपने आप को परमेश्वर से बड़ा दिखाना चाहता है। लिखा है यशायाह 14 उसका 13 से 15 में,
तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गढ़े की तह तक उतारा जाएगा। दोस्तों, शैतान को इस संसार का ईश्वर भी कहा गया है, क्योंकि वह इस संसार में अपना अधिकार दिखाता है और लोगों को भटकाता भी है। वह परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है और वह हमारे बीच से निकलेगा ताकि लोगों को आसानी से भरमा सके। लिखा है पहला यूहन्ना 2 उसका 18 और 19 में, हे लड़को, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं थे, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वह हमारे बीच में से निकलेगा, पर वह हमारा नहीं होगा। अंतिम समय में मसीह विरोधी पहले लोगों को ऐसे ही शांति का बात करके बहलाएगा, पूरी दुनिया को एक करने का बात करेगा और लोग उसे परमेश्वर के रूप में मान लेंगे। फिर वह अपना असली रूप दिखाना शुरू करेगा, लोगों को सताना शुरू कर देगा। पहले तो वह बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा ताकि सभी लोगों को बहका सके और बहुत सारे चिन्ह भी दिखाकर लोगों को अचंभित करेगा। शैतान यह जानते हुए भी कि यीशु मसीह के आगमन के समय वह हमेशा के लिए अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा, अपने आप को इस संसार का ईश्वर मानता है और परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है। वह जानता है कि आखिर वह परमेश्वर से कभी भी जीतने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जीतने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, जिस प्रकार के आज के इस वीडियो में हमने देखा, आज के समय वैसा ही हो रहा है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखें और झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचाने और विश्वास से भटके नहीं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।